अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैनकेक बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आइए इसे हमने किस तरीके से बनाया है आपको दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। पैनकेक का सिरप बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये दो टाइगर बिस्कुट ले लिए हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं होते और ये चॉकलेटी भी होते हैं, इनका टेस्ट अच्छा है। आइए इन्हें सबसे पहले मिक्सी में डालेंगे और ये दो चम्मच हम पीसी हुई शुगर डाल देंगे, दो चम्मच है ये, और इसको पीस लेंगे। ये देखिए एक कप हमने दूध लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और पीसते रहेंगे इसे हम। ये देखिए इसमें एक चम्मच हम तेल डाल देंगे। हमने इसमें एक चौथाई कप दूध डाला है, इससे ज़्यादा दूध हम नहीं डालेंगे। और अब इसको फिर से पीस लेंगे। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया पैनकेक का सिरप बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसी तरीके से बिस्कुट से बढ़िया सिरप बना सकते हैं। आइए अब पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए हमने एक कप मैदा ली है, ये डाल देंगे और एक चौथाई कप हमने ये शुगर लिया है, शुगर पाउडर, ये डालेंगे। और हम ये दो चम्मच चोको पाउडर ले रहे हैं, ये डाल देंगे। एक चुटकी नमक डाल देंगे। एक चम्मच हमारा ये बेकिंग पाउडर है, ये डालेंगे। आधा चम्मच हमारा बेकिंग सोडा है, ये डाल देंगे। और इन सबको छान लेंगे। छानने से केक बहुत अच्छा बनता है। एक चम्मच तेल डाल देंगे और ये एक कप हमने दूध लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसमें। ये देखिए आधा चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, अगर आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो कोई बात नहीं है। आइए हमारा बैटर तैयार है और पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। आइए पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। हमारा तवा गर्म है, इससे थोड़ा सा तेल डालेंगे बिल्कुल। और इसे ढक देंगे एक मिनट के लिए बस। आइए एक मिनट हो चुका है, इसको पलट देंगे। गैस को हमने धीमा कर रखा है। आइए एक मिनट हो चुका है, इसको हम उतार लेंगे। आइए इस पर हम अपना शुगर सिरप लगा लेंगे। ये देखिए नाजरीन, हमारा पैनकेक बनकर तैयार है।
ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।